अरब सागर से उठा थी भीषण चक्रवाती तूफान ताऊते केरल और कर्नाटक को पार कर गुजरात की ओर बढ़ा। आज शाम तक गुजरात तट पर पहुंच सकता है ताऊते। ताऊते के हालात पर केंद्र की पूरी नजर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के साथ की बैठक। कहा आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी, नुकसान कम से कम रखने पर जोर। प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड राहत बचाव कार्यों में लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड उपचार की औषधि 2DG की पहली खेप करेंगे जारी। दवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के संस्थान नाभिकीय औषधि और संबंध विज्ञान ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से की है विकसित। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी से जुड़े मामले में दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा को गुरुग्राम से किया गया गिरफ्तार। कालरा पर अंतर्राष्ट्रीय सिम कंपनी मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विस के साथ मिलकर दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने का आरोप। देश के पश्चिम राज्य में चक्रवाती तूफान ताऊते का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि मुंबई के तटीय इलाकों से अब तक 12,420 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों तक मुंबई में भारी बारिश पड़ने की संभावना है। वहीं मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। एक ट्रेन पर पेड़ गिरने की वजह से लोकल ट्रेन की सेवाएं काफ़ी समय तक बाधित रही। महाराष्ट्र के मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी भर चुका है। ताऊते तूफान से अब तक प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा ताऊते की वजह से मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब भी उसका ऐलान किया जाता है कि आने वाला है, तो हमारी महानगरपालिका जो पूरे जो किनारे रहते उसमें रहने वाले लोगों को ही स्थलांतरित किया जाता है। NDRF, नेवी, फायर, ये सब लोग तैनात किए जाते हैं। लाइफ गार्ड 100 के ऊपर तैनात किए गए हैं। हाई अलर्ट का सब समुद्र किनारे पे बोर्ड लगाए गए हैं। सेलिंग जो पूरा समुद्र में जिधर जिधर समुद्र के ऊपर जो ब्रिज है वो पूरे 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। और अपना जो कोविड सेंटर है उसके ICU बेड में रहने वाले पेशेंट जो चल सकते हैं उनको उतना नहीं, लेकिन ICU का है तो उनको स्थलांतरित करने का अभी मुलुंड जंबो सेंटर के जो है उनको स्थलांतरित कर रहे हैं हम। और बाकी भी BKC है, नंतर का दहीसर है, उनका भी अभी हम सोच रहे हैं कि उनको भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी। ऐसे सब काम हमने करके रखे। और अब तक इससे मची तबाही की जानकारी के लिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। मुंबई न्यूज़ और अपना TV की ब्यूरो रिपोर्ट।
अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते चक्रवात आज शाम गुजरात के तट पर पहुंच सकता है और 18 मई की सुबह पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट पार करने की संभावना है। इस दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसी के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात ताउते के चलते आज महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रायगढ़ में आज अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। तबाही मचाकर चक्रवात के केरल के तट से दूर जाने के बावजूद राज्य के बांधों में रविवार को जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग ने तीन जिलों एर्नाकुलम, इडुक्की और मालप्पुरम के लिए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। एनडीआरएफ ने संबंधित राज्यों में टीमों को तैनात किया है और 20 अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ थलसेना, नौसेना और तटरक्षक बल के बचाव और राहत दल भी तैनात किए गए हैं। प्रेडिक्शन के अनुकूल ही अभी चल रहा है, जो कर्व है, जो पाथ है, जो रास्ता लिया हुआ है साइक्लोन, उसी प्रेडिक्शन के अनुकूल ही चल रहा है और उसी के हिसाब से हमारी तैयारियां भी हैं और 50 से ज्यादा टीमें एनडीआरएफ की वहां लग जाएंगी शाम तक या देर रात तक और लगातार हम लोग इवैक्यूएशन और अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इंपैक्ट होने की संभावना है, इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी, उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगाया गया है क्योंकि इंपैक्ट स्टेट वही है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत कालरा को गुरुग्राम में एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर अंतर्राष्ट्रीय सिम कंपनी मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस के साथ मिलकर दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने का आरोप है। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किया गया। इस रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है। इस बीच नवनीत कालरा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था और अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।